तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इंटर पास ही बनेंगे होमगार्ड, 8,000 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। तो 8,000 पद पर होगी बम्पर भर्ती, इंटर पास बनेंगे होमगार्ड। तो चलिए होमगार्ड की तैयारी में आज से ही आप जुट जाइए, क्योंकि इंटर पास छात्रों के लिए होमगार्ड में 8,000 पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकल गई है। तो कैसे कैसे बहाली होगी और कैसे चयन प्रक्रिया होगी, तो वीडियो को मैं पूरी बना दे रहा हूँ और इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। और मेरे टेक चंपाइन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित आपको आपके पास हर एक वीडियो में पहुँचाता हूँ। तो चलिए अगले साल होमगार्ड के करीब 8,000 पदों पर बहाली होगी, मतलब 2020 में 8,000 पदों पर होगी बहाली। पुलिस की तरह अब होमगार्ड में भी इंटर पास युवक ही बहाल होंगे। पुलिस की तरह जिस तरह बिहार पुलिस में इंटर के छात्र जाएंगे, उसी तरह ही होमगार्ड में भी अब इंटर पास ही युवक जाएंगे। उसके बाद देखिए पहले शैक्षणिक योग्यता 8वां पास थी, पहले 8वीं पास पर होमगार्ड की बहाली होती थी, अब 8वीं पास नहीं है, अब इंटर पर हो गई है। फिजिकल टेस्ट में देखिए क्या क्या है, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप आदि के जरिए चयन होगा। तो दौड़ भी करना है, लॉन्ग जंप और हाई जंप थी। उसके बाद जिला स्तर पर डीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी चयन करेगी, जिला स्तर पर ही इसकी चयन होगी। होमगार्ड व अग्निशमन सेवा के डीजी राकेश मिश्रा के मुताबिक सभी जिलों के कमांडेंट को रोस्टर क्लियरेंस को लेकर निर्देश दिए हैं, सभी जिले कमांडेंट को भी निर्देश इसमें दे दिए गए हैं। तो इसकी तैयारी में आज से ही आप जुट जाइए। बहाली के बाद युवा होमगार्डों में से चयनित जवानों को विशेष में रख बटालियन में रखा जाएगा। हाँ, तो इसमें से आपको मौका है बटालियन में भी जाने का। जो युवा बहाली में 25 वर्ष उनका एज है और बहाली हो जाएगा, उसके बाद इसमें से बटालियन में जाने के भी आपके पास मौका है। विशेष बटालियन में तैनात होमगार्डों को अन्य के मुकाबले 30% अधिक भत्ता मिलता है। अन्य के मुकाबले जो होमगार्ड में से जाएंगे उनको 30% अधिक भत्ता भी मिलेगा इसमें। उसके बाद देखिए राज्य में होमगार्ड जवानों के 55,000 पद स्वीकृत है। जो हमारा राज्य है यहाँ पर 55,000 पद स्वीकृत है, वर्तमान में 46,000 ही कार्यरत है। तो आपको 8,000 पदों की बम्पर भर्ती आ गई है, तो आज से ही अपना तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें से आपको मौका मिल जाएगी बटालियन में भी जाने की। तो चलिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और भी दोस्तों के पास शेयर कर पहुँचा दीजिए, क्योंकि कोई छात्र छूटे नहीं।